हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। चलो हम बुटीक के लिए निकलेंगे और हमारी ताशी और मामी हमें सामने दिख रही हैं इवेंट में कहीं। दिखाओ बैक कैमरे से, दिखाओ। हम वहाँ निकलते टाइम दिखाएंगे आपको। चलिए काशी की दवाई दिला दे भाई। अरे यार मैं परेशान ही यार दोनों से यार, उससे भी परेशान हूँ। रात में बोलती मेरी गर्दन दुख रही, गर्दन दुख रही थी। अरे मैं परेशान हूँ, मम्मी यार रहने दो यार। फिर हाँ। क्या क्या हुआ था, कौन सी ड्रेस हुई थी? फिर गोल गोल घूमा बीची करा। हाँ फिर उसमें अपन हार गए, पहले राउंड में आउट हो गए। पहले राउंड में हार गई थी, फिर दूसरे राउंड में जीत गई थी। फिर उसके बाद क्या किया, कौन से गाने पे डांस किया था? अदसा में। कैसे करा था, करके दिखाओ थोड़ा सा स्टेप। ऐसे सामने डांस कराया था। मैंने बोला, बोलती है इसको डांस आता है, बहुत अच्छा आता है। तो पांच लोगों का ग्रुप था, उसमें ये जीती, मैंने रिकॉर्डिंग बनाई है। जीत गई। दिखाओ दिखाओ, हमने खोल के देखो। एकदम मामी जैसी इंटेलिजेंट है मेरी, अच्छी है ना। बोतल गिर गई नीचे। अच्छा गिरा दी, कहाँ गिर गई मुझे तो दिख भी नहीं रही। अच्छा ये रही, ये वाली बोतल मिली। वाह ये ताशी जीत गई, जीत गई। कितना पानी पीऊंगी मम्मा को? कितना पानी, कितना पानी? और फिर वहां से आके अपन ने खाने में क्या खाया, मामी ने क्या खिलाया? कैसे बता रही थी, कैसे बता रही थी, पेट कैसे आ रहा बाहर, खाना खा के क्या बोल रही थी? मैं उल्टा हो गया मामी। भाई हमारे यहाँ सब मोटे हो रहे हैं, भाई हमारे यहाँ सब मोटे हो रहे हैं। कहती है मामी मेरा पेट बाहर आ गया। मामी से मोटा बंदा है ना, बोलती हाँ। पापा तो देखो क्या देख रहे, पापा टीवी देख रहे हैं, ताशी दिखा रही थी हमको। अब आप लोगों का खाना खाने का वेट कर रही हूँ मैं, बस मैं नहा लूँ, तुम दोनों खाओ। नहा के आने के बाद मुझे सरप्राइज मिला है, मम्मी आई है आज। और मम्मी को यही नहीं पता है कि बेटी की शादी में लड़की। तो सॉरी वो स्पेसफुल हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये पूजा हमारी, जिनकी शादी के हर फंक्शन में मुझे जाना था, इनकी शादी 6 तारीख की थी और हम नहीं जा पाए। तो एक भी फंक्शन में नहीं आई, एक में भी नहीं जा पाई। लड़ाई करने आई, लड़ाई करने आई मम्मी। लेकिन देखिए मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि घर से कोई आया था, तो भाई ने बताया कि लड़कियां सर्व कर रही थी। तो मम्मी बोलती है पूजा तेरी शादी में लड़कियां सर्व कर रही थी। कमेंट में बताइएगा कि मम्मी की भाषा किस साइड की लग रही है, मम्मी कैसे बोलती है। मैं वही कह रही हूँ ना, चीनू के किसने परेशान किया, मैं उसको देखना चाहती हूँ। पूजा से पहचान मेरी तब से है जब आशीष जी के पुण्यतिथि के टाइम मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उतने टाइम पर मेरी जो थेरेपी है वो पूजा ने करी थी, तब से मेरा मिलना जुलना पूजा से है। अब पूजा की शादी हो गई है, अभी वो मायके आई हुई है और जब उसने सुना कि भाभी को भी यही प्रॉब्लम है तो उसने बोला कि इनकी थेरेपी भी मैं करती हूँ, इससे इनको बहुत ज़्यादा आराम लग जाएगा। और आज फिर से मेरे लिए बहुत 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 अच्छा दिन, क्योंकि बारिश हो रही है। मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे टिकटॉक के टाइम से जानती है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने मुझे टिकटॉक से जाना है, मुझे जानते हैं, आशीष जी को जानते हैं,
जो इंस्टाग्राम से जानते हैं वो भी बताइएगा, और जो यूट्यूब से ही मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कब से जानते हैं, आप मेरी फैमिली हो तो कब से मेरे साथ जुड़ी हुई हो। तो क्या अगर आप टिकटॉक से मुझे जानते हैं तो मेरा एक सॉन्ग था साथी मेरे तेरे बिना, जो मेरा वायरल सॉन्ग था जिससे मुझे पहचान मिली थी लव बर्ड की वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है अभी। और बारिश नहीं गई थी, पर मैं आ गई थी जल्दी से। हाँ, तो कोई आया था मिलने के लिए और वो गिफ्ट देकर गए हैं। और ताशी और आपको ताशी को मिल गया, ताशी के पास है। पढ़िए शुभा जी क्या लिखा है इसमें। लिखा है हाय नेहा दी, मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का, पर पता है आप बहुत बिजी रहती हैं। बेस्ट विशेस आपको एंड अ लॉट्स ऑफ लव टू ताशी, स्पेशली दिल्ली से यहाँ आपसे मिलने आई, भोपाल में नानी का घर। इस बार स्पेशली आपसे मिलने आई थी यहाँ। मेरी बेटी का अपना आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद देना एंड हैंड राइटिंग पे मत जाना, हाथ रब क्या कांप रहे हैं। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेहा राजपूत नाम, देखो नेहा राजपूत नाम लिखा है ना उसमें, नेहा राजपूत। ओपन करो। नेहा दी थोड़ी सी बीमार है, बीमार आ भी रही है, पता नहीं मेरी बीमारी कब जाएगी। वीडियो बन रही थी, मैं बेरहमी से नहीं खोल रही हूँ हम लोग बहुत बेरहमी से खोलते हैं। ताशी तो मिल, अगर मुझे आज कोई जवाब मिल जाता है भगवान की तरफ से तो मैं समझ जाऊंगी मुझे आगे क्या करना है। तो मिल गया, क्या बोलूं, क्या बोलूं इसके बारे में खुद चल कर आए जवाब, क्या खुद चल कर आए। बोले जी 45 किलो के जिम में तो मैं ऐसे दोनों हाथ से मारता था 45 किलो में। क्यों आपको पता है शादी के बाद मेरा 7 किलो वजन बढ़ गया, 7 किलो। तेरा पेट देखा, तेरा पेट निकला, तू भी प्रेग्नेंट है देखा, थोड़ा दिन में मम्मी का पेट भी बाहर आ जाएगा। ये मेरा पापा तो वैसे ही पापा है, पापा का पेट है। नेहा दीदी का मैं निकाल के रहूंगी, ऐसे कैसे नहीं आएगा। अभी वो सिंगल फ्रेम है, कितनी 45 केजी हो ना। नहीं आपको 2 महीने 50 पे 50 इतना नहीं भागते, इतना नहीं भागते साले मेरा कोलैबोरेशन कर दे। मैंने क्या पहना दिखा तो तू पब्लिक लेडीज है यार। तो क्या होगा, सरिता तेरा लेडीज सूट पहनता है नाइट, हाँ तेरे को देखा ऐसे ऐसा होता है, ये होता है थोड़ा व्यवहार वाले। मम्मी इतने कॉमन वाले भी आते हैं ना, ये देखो मेरा नाइट सूट कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं थोड़ा सा इसमें क्या करूंगी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाऊंगी बस, और नाइट सूट का प्रमोशन करूंगी। देखो भाई जैसा है मेरे को तो आज तक इतना घुस के आया रे, मेरे को आज तक मैं ऐसा आया ऐसा नीतू दीदी सामान। हाँ, सुनो तो आज तक तो नाइट सूट का हाँ, तो वो तो करा नहीं इनने हाँ, तब इनका आई बेडशीट। मैंने बोल दे दो यार करिए मैं बेडशीट दे दे सब दे दे दी। आप दो बेडशीट तेरे को आई है ना चिन्नू। हाँ एक मेरी भी है वो हाँ, भी खाली, उसके बाद भी कमी खत्म भी नहीं होती, पता नहीं कितनी कहाँ। हाँ मेरी मेरी तुम तो अलग पलंग पलंग भी होते मेरी बेडशीट का कर लो क्या, कर लो ना इकट्ठे हो जाए उसके बाद सफाई हो जाएगी। कंफर्टर तुम ले लेना, बेडशीट ले लेना प्लीज।
कंफर्टर का क्या करेगा तू? कंफर्टर तुम ले लेना, बेडशीट मेरे को ले लेना। मैं कंफर्टर का क्या करूंगी? हां दीदी हमें दे देना, हम तो खड़े ही हैं। देखो इनको हमने सही कहा दीदी, आपकी वाली रजाई खोल ली जो बहुत प्यारी लग रही, बहुत सुंदर लगती दीदी। पता है बेडशीट के मैचिंग के अपना बेचारे लगते हैं। नहीं तो दीदी, और एक सरिता दीदी तो बिल्कुल जाती नहीं है। आ जा आ जा मेरा चूहा। हां बेडशीट ना मम्मा को स्वामी को देते वजह दे देना। शुभ मांगे मेरे को दे देना। ये लाइट के नीचे खड़े होने पे भी उतने ही गोरे लग रहे जितने लगते। अपन गलत डरे, हम अभी तक हम गलत घूम रहे। अरे यार ये तो वाला रील हो गई, ये तो सेल्फी वाली रील हो गई। हाँ कल क्या हुआ था बता? हाँ बता कल ना अन्ना पूछ रही थी कि ये क्या थी। अरे कल रात में मालूम हम लोग ने कैसे खाना खाया? आओ हमको दिखाते आओ। नहीं 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 मैं पानी डालूंगी लोटा भर। हाँ इधर आओ और हम दोनों साथ में भोजन कर रहे हैं। अब जाके भोजन कर रहे हैं हम लोग, सब खाना खा चुके हैं। हमारा एकदम लेट लगे बस इतना और अब मुझे मना नहीं कर सकते।